रंग से भरो पिचकारी, स्नेह से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने ना कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों की होली। खबर समय जगत की टीम की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगरवासियों को होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बंगले पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज का दिन बीजेपी के लिए और मेरे लिए आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे राजमाता जी याद आ रही हैं, जो बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की माँ थीं। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की मूर्ति थीं। भारतीय जनता संघ में मध्य प्रदेश स्थापित करने अतुल योगदान। आज उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी के परिवार में शामिल हुए। पूरा परिवार बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान, कल्पनाशील, मस्तक के नेता हैं, जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में बड़े उत्साह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, उस काम को कमलनाथ सरकार तबाह और बर्बाद कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में जो कहा था वह पूरा नहीं किया है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी योजना शुरू की थी, उन सारी योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने बर्बाद कर दिया। वहीं उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ाई करते हुए कहा कि जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ राष्ट्र की सेवा में बीजेपी को चुना है और मैं हृदय से सिंधिया जी का स्वागत करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी और सक्रिय राजनीति का लाभ मिलेगा। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे श्रद्धेय राजमाता जी की याद आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की माँ थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी और भारतीय जनसंघ के काम को देश, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। यशोधरा जी मेरे साथ हैं। पूरा परिवार आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी युवा, ऊर्जावान और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी नेता हैं। वैसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना है। लगभग 18 महीने पहले 2018 में बड़े उत्साह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में काम किया था, लेकिन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए इस सरकार ने। भाजपा की सरकार की जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया गया और जैसा उन्होंने कहा
किसान से लेकर नौजवान तक, माताएं बहनें तक आज इस सरकार से परेशान है और कोस रही है। और इसलिए एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र को मानते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में अमित शाह जी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए जनता की सेवा के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने से मध्य प्रदेश में पहले से ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और पूरे देश में भी उनकी सक्रियता का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रवेश पर हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार के साथी उनका स्वागत करते हैं, साथ मिलकर चलेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, जनता की बेहतर सेवा करेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।